जैसा कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है तो रेड लिप्स और ग्लोई मेकअप ट्रेंड में है। ग्लोई मेकअप में यदि आप क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे भी सर्दी थोड़ी शुरू हो चुकी है तो इसलिए क्रीमी प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे ड्राई स्किन के लिए। तो सबसे पहले हम मैक की स्ट्रोब क्रीम लेते हैं पीच लाइट और पूरे फेस पर अच्छी तरह से इसको मसाज कर लेते हैं इसकी हेल्प से। मैकअप प्राइमर लेंगे, लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो स्ट्रोब क्रीम ही काफ़ी है। अच्छी तरह से अपने फेस पर प्राइमर लगा लेंगे हम और उसके बाद हम मैक का फाउंडेशन लेते हैं। NC40 मेरा शेड है और रियल टेक्निक्स का स्टिपलिंग ब्रश है। सर्कुलर मोशन में हम फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे। मेरे को ब्रश से ही मेकअप करना ज़्यादा पसंद है, आप चाहे तो स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं। मैक का कंसीलर है, क्रीमी है ये, तो इसलिए फिंगर की हेल्प से हम इसको आइज़ के नीचे, माउथ के आसपास, जहाँ जहाँ में आ रही डिस्कलरेशन है वहाँ पर हम इसको लगाएंगे और फिंगर की हेल्प से ही स्प्रेड करेंगे हम इसको। वैसे आप चाहें तो ब्रश या स्पॉन्ज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर की हेल्प से लगाती हूँ क्रीमी कंसीलर। तो इस तरह से हमने कंसीलर लगा लिया है। तो हम लेते हैं मैक का 42 NC42 कॉम्पैक्ट पाउडर और मैक का ही ब्रश है। NC42 थोड़ा डार्क है, मेरा NC40 है वैसे, लेकिन मुझे NC42 इसलिए पसंद है क्योंकि इससे थोड़ा सा मतलब सन किस्ड, मतलब थोड़ा डार्क मेरे को पसंद है इसका शेड जो है ना। और ये नेक्स्ट की आईब्रो जेल है, जेल। एले गर्ल्स का ये कलर करेक्टर है डार्क शेड का, जिसे हम कॉन्टोर करेंगे अपने चीक्स को। और पैक का ये कॉन्टोरिंग ब्रश है चीक्स को, ज्वालाइन को, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं इस स्टेप को। थोड़ा नाक की भी हम शेप ले लेते हैं। और ये जो ब्रश है ये कफ एंड लैशेस का है, अवॉइड भी कर सकते हैं आप इस स्टेप को, कोई ज़रूरी नहीं है। शुगर का ये बनाना पाउडर है। इस स्टेप को भी आप अवॉइड कर सकते हैं यदि ड्राई स्किन ज़्यादा ही है तो। मेरे पास क्रीमी ब्लश नहीं है तो मैं ये मैक की रूबी वू ले रही हूँ। ये मेरे को एज ए ब्लश भी काफ़ी पसंद है। वैसे तो ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर देती है लिप्स पर, लेकिन अभी मैं आज इससे ब्लश का काम ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लगता है इससे भी चीक्स पर। फिर हम रियल टेक्निक्स के ब्रश से हम बनाना पाउडर को हटा देंगे। वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर है और रियल टेक्निक्स का ब्रश है हाइलाइटर। हम इस तरह से हम हाइलाइटर लगा लेंगे थोड़ा सा नोज पर, क्यूपिड पर। अपनी ब्रो बोन पर नायका की आई शेडो पैलेट है ये। पहले लाइट लेंगे शेड और उसके बाद आउटर वी पर हम थोड़ा डार्क शेड लेंगे। प्रो आर्ट का ये ब्लेंडिंग ब्रश है। ये हम आउटर वी पर थोड़ा डार्क शेड ले रहे हैं और अच्छी तरह से दोनों शेड को हम मर्ज करेंगे आपस में, जिससे भी थोड़ा सा हार्श ना दिखे। मिनीशो का ये मिरर है और ये शेडिंग ब्रश है पैक का। तो इस तरह से हमारा आई शेडो बेस भी तैयार हो गया। अब आपस में हम मर्ज कर रहे हैं जिससे थोड़ा भी हार्श ना लगे। और इस तरह से अब हम शिमर लेंगे, शिमर कलर लेंगे। और ये ब्रश नायका की आई शेडो पैलेट के साथ ही है और अपने लिट के बीच में हम
शिमर कलर लगाएंगे। सेंटर में और नीचे की तरफ हम ब्राउन आई शेडो को लगाएंगे। लोरियल का ये जेल लाइनर है और एंगुलर ब्रश है ये, और इसे हम थोड़ा विंग लगाएंगे। वैसे प्रॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको शेड करेंगे, मतलब शेडिंग देंगे हम इसको, इसलिए कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। एकदम ऐसे लगाकर हम इसको डिफ्यूज़ करेंगे, मतलब दूसरे जो हमारे ब्राउन है ना आई शेडो उसके अंदर, और लोअर लैश लाइन पर भी हम इसको लगा लेंगे जेल लाइनर को जो कि बचा हुआ है ब्रश पर। पूरे हम आगे तक नहीं ले जाएंगे, आधी आधी मतलब नीचे की जो लैश लाइन है आधा तक ही लेके जाएंगे हम। और मेबलिन का ये मस्कारा ये और ये मैक की एफर्टलेस लिपस्टिक है। तो ये हमारा फाइनल लुक है। कैसा लगा आपको फाइनल लुक? यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और यदि मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।